दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 6 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों यहां पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आपको किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। तो दोस्तों हार मानना अपने मन के ऊपर है। अगर हमने ये मन में मान लिया कि हम हार चुके हैं, हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप 100% लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपने यदि ठान लिया कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना है, मुझे मंजिल प्राप्त करनी है, तो आप अवश्य ही मंजिल को प्राप्त करोगे, 100% मंजिल को प्राप्त करोगे। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ये देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों देखिए, हाल ही में किसने रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट विकसित किए हैं? भारतीय रेलवे, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट विकसित किए हैं। ये जो ट्रॉली है कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक मेडबॉट नामक एक नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित किए हैं रेलवे ने। आगे बढ़े प्रश्न नंबर दो देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सही जो आंसर है इसका सही आंसर है तमिलनाडु ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किए हैं। और ये जो चालक हैं इसका नाम दिया है एम वीर लक्ष्मी। ये एक महिला चालक हैं एम्बुलेंस की। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं पलानी स्वामी, ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है जिसका नाम एम वीर लक्ष्मी है। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर तीन से पहले देखिए दोस्तों, मैं तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात को अभी इसने पीछे छोड़ दिया है। हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है। कुल जिले 32 हैं, भाषा तमिल है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी, जिसका पूरा नाम ए एडाक पड्डी के पलानी स्वामी है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। विधानसभा की 235 सीट, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39 सीटें। राज्य पशु नीलगिरी तहर हैं। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। इस राज्य का जो लोक नृत्य वो भरतनाट्यम है। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है मधुमलई राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है अभिक सरकार, सूरज कुमार, विजय त्यागी, अशोक मेनन। ऑप्शन ए अभिक सरकार इसका सही आंसर है। अभिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने जो स्थान लिया है वह विजय कुमार चोपड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। विजय कुमार जो चोपड़ा हैं वो पंजाब केसरी समूह के अखबारों के मुख्य संपादक हैं। अभी उनकी जगह इन्होंने क्या लिया है, उनका स्थान लिया है किसने, अभिक सरकार ने। आगे बढ़े ये फोटो है, ये है अभिक सरकार। प्रश्न नंबर 4, कौन सा राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने को तैयार है? बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन बी है असम। असम इसका सही आंसर है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रति माह 830 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को असम राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और अभी फिलहाल में असम में निवास करना होना चाहिए।
उसका निवास स्थान असम ही होना चाहिए और साथ ही वर्तमान में राज्य में रहना चाहिए और उसकी आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख रुपए से कम उसकी आय होगी तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। असम की बात करें, राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, कुल जिले 33 है, राजभाषा असमिया है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो बीजेपी के हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, विधानसभा की 126, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 14 सीटें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पाँच देखिए, हाल ही में CBDT के चेयरमैन प्रमोद मोदी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने। सही आंसर ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। CBDT जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसका जो चेयरमैन है प्रमोद मोदी, उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अभी उनका जो कार्यकाल है वो दूसरी बार बढ़ाया है। इससे पहले भी उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, अभी दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 15 फरवरी 2019 से के CBDT के अध्यक्ष ये बने थे और इन्होंने जो स्थान लिया था वो सुशील चंद्र का लिया था और सुशील चंद्र उस समय क्या बनाए गए थे, चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, उसकी जगह इन्होंने स्थान लिया था और 15 फरवरी 2019 से CBDT के चेयरमैन प्रमोद मोदी बने हुए हैं। प्रश्न नंबर अगला है, उससे पहले देखिए, यह है प्रमोद मोदी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए CMD के रूप में पदभार संभाला है? दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों को नोट कीजिएगा। प्रश्न 6वां जो था, हाल ही में किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए CMD के रूप में पदभार संभाला है? हेमंत खत्री, विजय त्यागी, नितिन मेनन, अशोक लवासा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए है, हेमंत खत्री इसका सही आंसर है। हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड के नए CMD के रूप में उन्होंने पदभार अभी संभाला है। हेमंत जो खत्री हैं वो सेवानिवृत्त हैं और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड है HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के राज्य स्वामित्व वाले रक्षा जो शिप बिल्डर है के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जो हेमंत खत्री है वो 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे और इन्होंने स्थान लिया है एल बी शरत बाबू का इन्होंने स्थान लिया है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये हैं हेमंत खत्री। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कौन पहली बार 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है CFI, CPL, IPL, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, CFI, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस साइकिल शिखर सम्मेलन का 2021 का आयोजन करेगा। यह शिखर सम्मेलन एक दिवसीय होगा, एक दिन का होगा। यह साइकिलिंग जो फेडरेशन शिखर सम्मेलन है क्यों मनाया जा रहा है? संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर जो साइकिल चालक हैं के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। आगे बढ़ रहे, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर AUDFS-01 नामक एक आकाशगंगा की खोज की है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बन जाता है, मैं आंसर बताता हूँ। ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका और चीन। तो दोस्तों सही आंसर भारत है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी खोज जो AUDFS-01 है, इसकी खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा की गई है और वहाँ के जो डॉक्टर हैं कणक,
उनकी टीम के द्वारा उनके नेतृत्व में इसकी खोज की गई है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर नौ देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 1 से 7 सितंबर, 3 से 10 सितंबर, 4 से 11 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 से 7 सितंबर इसका सही आंसर है। इसको 1982 से लगातार मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? खाद्य पदार्थों के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे महत्वपूर्ण अवधि माना जा सकता है, इसलिए ये मनाया जाता है। ये दिन एक आहार में उचित पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर दस देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर। सही आंसर ऑप्शन बी है, 4 सितंबर को हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया गया। यह राष्ट्रीय जो वन्य जीव दिवस है, दुनिया भर में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण प्रयासों को पर केंद्रित है, इसलिए ये राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। एक फोटो देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ग्यारह, हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन है दिविज शरण, विजय अमृतराज, विष्णु वर्धन, सुमित नागल। तो दोस्तों सही जो आंसर है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सुमित नागल। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ये सुमित नागल, इन्होंने 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये 23 वर्षीय खिलाड़ी ने US ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। उन्होंने पुरुष एकल के पहले दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को हराया था और इसी उपलब्धि से पहले सोमदेव बर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन के दूसरे दौर में पहुँच गए हैं। ये देखिए, यह हैं सुमित नागल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की है? ऑप्शन है नाइजीरिया, कुवैत, घाना और हैती। सही आंसर ऑप्शन ए है, नाइजीरिया के साथ में समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर एक आभासी बैठक की है। विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर प्रसाद ने अपने नाइजीरिया समकक्ष जोफ्रे ओनेमा के साथ एक आभासी बैठक की है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और रक्षा पर सहयोग पर भी चर्चा की। भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है और अफ्रीका में नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ नाइजीरिया की बात करूँ तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। राजधानी क्या है? अबूजा राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो नाइजीरिया नाइरिया, ये यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति है मोहम्मद बहारी इसके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको सही जवाब चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।